मैं बस एक ही चीज़ कहूंगी कि क्योंकि संजय राव जी प्रखरता से इन लोगों का सही चेहरा दिखा रहे थे, उनको बेनकाब कर रहे थे, विपक्ष के सारे नेतागण जो उनसे चिढ़े हुए हैं, जो जानते हैं कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने मिलकर ये जो हरकत की है वो देश के सामने दिख रहा है। ये वो किरीट सुमाया है जिनका वीडियो आप सभी ने देखा होगा, ये वो किरीट सुमाया है जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप बहुत लोगों पर लगाया, फिर वो सब आकर बीजेपी में बैठे हैं या उनके साथी बनकर बैठे हैं। तो अब तक उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो साबित नहीं कर पाए हैं या उनको जेल नहीं पहुंचा पाए हैं, पर जो उन्होंने काम किया है संजय राव जी को लेकर वो यहाँ की जनता देख रही है। वो देख रहे हैं किस तरीके से उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की जो पार्टी है उभर कर आ रही है, सरकार बनाने वाली है, तो उनको रोकने का काम किया जाए। पर ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी हमें रोकने की कोशिश कर लें, सच्चाई छुप नहीं सकती है। पिक्चर हमने देख अपने ट्रेलर देख चुके हैं, पिक्चर अभी बाकी है। पहले भी जब संजय राव जी को गिरफ्तार किया था, हाईकोर्ट ने ऐसा फटकारा था इन लोगों को, अभी भी जब ये हम लोग इनकी बेल की सुनवाई होगी या जो भी 15 दिन काट कर आएंगे, तो जनता का जो समर्थन मिलेगा वो समर्थन हमें आने वाले समय में हमें विजयी बनाएगा, ये हमें पूरा पूरा यकीन है। लोगों को कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज? हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि उन्होंने मजबूती से ये लड़ाई लड़ी है। हमारी वैशाली बहन है यहाँ पर, वैशाली जी ने जो मजबूती से उनको लड़ाई दी, कितने 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, 3,80,000 4 लाख वोट मिले हैं, ये उन लोगों के सामने मिले हैं जिन्होंने अपना पूरा पैसा डाला होगा, जिन्होंने सत्ता का इस्तेमाल किया होगा, जिन्होंने इनको डराने धमकाने का काम किया होगा। आज हम हर शिवसैनिक ने दिखा दिया है कि आप कितना भी झूठ बोलो, कितना भी भ्रष्टाचार करो, हम जो शिवसैनिक हैं, शिवसैनिक थे और शिवसैनिक बने रहेंगे, हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं हम सारे जो हमारे कल्याण के हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगी और मैं उनका हिम्मत और हौसला और बढ़ाने आई हूँ कि आप लोगों की लड़ाई से हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। अक्षय शिंदे के परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक जो आरोपी है जिसने इतना बड़ा पाप किया है, उस पापी के परिवार के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। जो पापी है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, पर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मिलनी चाहिए थी। आज भी वो तुषार आप्टे गायब है। तुषार आप्टे को कब पकड़ा जाएगा? कब वो CCTV फुटेज किसने गायब किया, कब जनता के सामने सच्चाई आएगी, कब उन बालिकाओं को न्याय मिलेगा? वो बच्चियाँ तो जो जिनके माँ बाप ने आकर FIR दर्ज किया वो तो है, पर कितनी और बालिक होंगी, नाबालिग लड़कियां होंगी जिसमें स्कूल के अंदर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ होगा। तो ये सच्चाई छुपाने के लिए जो काम हुआ है उसकी लड़ाई, उस सत्य की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और जो वो पापी के परिवार कहें उसमें मैं पढ़ना नहीं।